जो कलाकार होते हैं वो खुशबू के मानंद होते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, वो दिखते नहीं हैं, उनको छू नहीं सकते, लेकिन महसूस उनकी जो कला होती है। तो खुशबू को फैलने का बहुत है शौक, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए वो। तो ये जो है वो हवा का काम करती है, और सभी कलाकार चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, हर फील्ड में सबको जो है लाइन लाइट में लाने का काम जैसे हवा करती है वैसे आयुषा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। ये तो तारी सुन के और लावणी देख के मुझे लग रहा है की काश मैंने भी नवारी साड़ी पहनी होती। इट्स अ ब्यूटीफुल फंक्शन, थैंक यू फॉर दिस ऑनर एंड आई एम वेरी प्लीज टू बी हियर। एंड नेक्स्ट टाइम यू शुड बी रिसीविंग एन अवार्ड एक्चुअली अनुषा, सो नेक्स्ट टाइम आई लुक फॉरवर्ड टू गिविंग यू एन अवार्ड। तो तू क्या कर रहा है? मैं कुछ कर रहा हूँ ना। अनुषा जी हमें देखिए, हमें देखिए, क्या बात, क्या बात। मध्ये फोटोज काढले होते, तिथून ओळख झाली। आज खांडगे सर पण इथे आहेत, त्यांची आणि श्रीजींची एकत्र त्याच वेळी ओळख झाली माझ्या आईमुळे अर्थात। आणि त्यांच्याकडून खूप म्हणजे त्यांचं काम बघून, त्यांच्याकडे बघून बरंच मार्गदर्शन मिळालं लावणीमध्ये, कारण मुळात मी कथक नृत्यांगना आहे। संगमजी पण इथे बसलेत, माझ्या आईसोबत त्यांनी खूप काम केलंय, माझ्याही काही कथकच्या ट्रॅक्समध्ये त्यांनी काम केलंय। Well, this is truly an honor, Maharashtra Gaurav म्हणताय। You know, अमेरिकेची वन बीट फेलोशिप मिळाली आहे, आत्ताच कोरियामध्ये, नायजेरियामध्ये पण खूप कौतुक झालं, पण इथे आपल्या घरात जेव्हा आपल्या जन्मस्थानी मी मुंबईकर म्हणून जेव्हा कौतुक होतं तेव्हा इट्स अ व्हेरी स्पेशल फिलिंग। थँक यू व्हेरी मच, आणि अपेक्षा करते लवकरच तुम्ही माझा पण डान्स कधीतरी बघा। थँक यू। Ladies and gentlemen, Shreya Sarani, versatile singer. हाँ जी जय माता दी। क्लब की शो है ये, मजमू में नहीं मलाव में सेट लग रहा है। बेसिकली स्टोरी मिट्टी की है, माँ बेटी है। I'm a Maharashtrian, who of course I'm a Punjabi, I'm a Khatri from Nainital. बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये महसूस होकर कि महाराष्ट्र जहाँ से मैं हूँ उसका गौरव पुरस्कार मुझे मिल रहा है। मोर देन दैट आई सॉर्ट ऑफ अग्रीड टू अनुषा जी रिक्वेस्ट बिकॉज आई लव अनुषा जी। अनुषा जी ऐसी शख्सियत हैं कि इनको ना बोलना मेरी हिम्मत नहीं है। मैं दुनिया भर को ना बोलता रहता हूँ, स्पेशली जो संगीत यूज करते हैं उनको तो ना बोलता हूँ और थप्पड़ भी मारता हूँ, बट इनको मैं प्यार करता हूँ। तो अनुषा जी इज सच अ लवली पर्सन, गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज यू नो आई एडमायर हर, द पेशेंस, द परसिवियरेंस, द लव, द अफेक्शन, द कमिटमेंट टू ऑल इश्यूज दैट शी हैज शोन, एंड दिस इज वन ऑफ देम, जस्ट वन ऑफ देम। सो यस, आई एम सो प्राउड टू रिसीव दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच अनुषा जी। मगर ये गर्व तो हम सबको होगा जब हम ये जो है जो ये इसको एक पॉलिसी या एक प्रिंसिपल बना के चलें। थैंक यू सो मच सर। बाबा हो सर, हाथ लगा दिए एक दूसरे को, सब लोग हाथ लगा दीजिए थोड़ा, किसी एक दूसरे को नसीब करा ले। कैन आई हैव यू ऑन स्टेज शंकर? शिव देवनाथ, यू आर नॉट देयर। मैडम क्या बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र और पुरस्कार अवार्ड जो आज अनुषा मैम ने किया था, हमको भी अवार्ड मिला है, कितना मायने रखता है।
भास्कर अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है, महाराष्ट्र में हमने कार्य किया है और जिस महाराष्ट्र में जो फैमिली को बहुत सर्वप्रथम माना जाता है और जिनका नाम बहुत गर्व से सभी लेना लेते हैं, श्री बाला साहेब ठाकरे जी, उनके घर में हमारा सौभाग्य है। मैं बहू बन के आई थी और वहाँ बहुत कुछ सीखा है। तो महाराष्ट्र मेरे हमारे खून में है और जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने कार्यकृति शुरू की है हमारे मुक्ति फाउंडेशन को लेके या फिल्मों को लेके, हमें कामयाबी मिली है और हमेशा महाराष्ट्र के लोगों ने हमको खूब सारा आशीर्वाद दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है। तो अगर कोई पुरस्कार हमको महाराष्ट्र में मिल रहा है और उसका नाम महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार है तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत दिल के नज़दीक होता है। और जो पुरस्कार शिवाजी महाराज जी के एक स्टैचू से मिल रहा है तो हम हमेशा जो भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं या जो भी अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो हम इनका आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा है वो। और हम आज उनको और एक बार हमारे घर में प्रस्थापित करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत बहुत साल तक रह चुके हैं तो बस ऐसा ही आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता का, हिंदुस्तान की जनता का मिलता है, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 जिसका आज हिंदुस्तान के द्वारा आयोजन किया गया। आपके हाथों से भी काफी लोगों को अवार्ड दिए गए, आपको भी अवार्ड मिला है, क्या बताना? देखिए मैं हर तरफ की आर्ट्स की भक्त हूँ तो ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड टू बी हियर। एंड मैं बम्बई में पैदा हुई हूँ, यहाँ यही मेरी डोमिसाइल है, यही रही हूँ मैं, तो आई एम अ प्राउड महाराष्ट्रियन आई कैन से। तो ये पुरस्कार मिलते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और इतने डिस्टिंग्विश्ड और महान आर्टिस्ट के बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बस इतनी खूबसूरत ट्रॉफी मैंने शायद कहीं देखी है, बहुत अच्छा लगा। आपको अवार्ड तो काफी मिले रहेंगे, ये अवार्ड कितने मायने रखते हैं? मुझे बहुत ही मायने रखता है क्योंकि एक तो ये तो यू नो महाराष्ट्र पुरस्कार, लाइक आई सेड मैं यहीं जन्मी हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मैं प्राउड महाराष्ट्रियन हूँ एंड सो नेचुरली दिस अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू रिसीव इट। एंड ऑल्सो सबके बीच में इतने अकम्पलिश्ड हम्बल आर्टिस्ट है, जैसे मैंने कहा मैं कला की भक्त हूँ। अभी आ रहे हैं सब, आजकल डिले होता जा रहा है क्योंकि इतने शफल्स हो रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, ये तो मेरे दो प्रोजेक्ट्स जल्दी आएंगे। थैंक यू। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 मनुषा मैम के द्वारा ये कॉन्टेस्ट किया गया था, इसमें आप यहां प्रेजेंट हो, आपको भी अवार्ड मिला, आपके हाथों से भी कमेंट। ये अवार्ड इसलिए खास है कि इसमें महाराष्ट्र के नाम जुड़े और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र गौरव। मैं बनारस से, लेकिन मेरी शादी हुई बनारस में, अरे मुंबई में, सॉरी मुंबई में जब शादी होके आई तो ये शहर मेरा हो गया, ये स्टेट मेरा हो गया। और महाराष्ट्र से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं हृदय से आई फील प्राउड कि मुझे यहाँ शादी है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्म योग है हर लोगों में ये मुझे कहीं नहीं मिलता है। जब मैं देखती हूँ बस स्टैंड में सारा दिन के थकान के बाद बस के लिए लाइन में औरतें खड़ी है, इतनी सी शिकन नहीं है, जो लाइफ क्या है जैसे यहाँ के हर लोग जानते हैं। तो मुझे ये जो महाराष्ट्र गौरव का अवार्ड मिला, मैं अनुषा को इसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र मेरी जान है, बनारस में भी मेरी प्राण है, यहाँ पर मेरी जान है, तो मैं इसके लिए अपने आप को आई रियली फील प्राउड कि शहर को मैं इतना प्यार करती हूँ, जहाँ से मैंने कितना कुछ सीखा है, टाइम से चलना मैंने महाराष्ट्र से सीखा है और कोई यहाँ के किसी के इंटरफेरेंस नहीं करते किसी की जिंदगी में, लेकिन हर विपत्ति में हर लोग सभी के लिए खड़े रहते हैं। फिर से मैं अनुषा को धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर अवार्ड सबको देने के लिए, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, क्योंकि जहाँ हमारी कर्मभूमि होती है ना
वही हमारे शहर होता है और ये हमारा कर्मभूमि है। यहाँ से मैंने बहुत कुछ पाया है, इस शहर को नमन करती हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैंने कहा ना कि ये शहर हमें नाम यश सब कुछ दिया है, ये शहर हमें जीना सिखाया है, ये शहर हमें उत्सव का मायने समझाया है। हर उत्सव यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से पालन की जाती है, इसलिए ये महाराष्ट्र गौरव सम्मान मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये शहर को मैं पूजा करती हूँ। बहुत सारे सॉन्ग मेरे अपकमिंग, मेरा एक गजल की सीडी आ रही है इस शहर से, और इसी शहर से मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बेटी बनी थी। तो ये शहर मेरे लिए बहुत कुछ है और काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है। इस फिल्म में भी मैं गा रही हूँ, बनारस के गायिका भी उतर गए, बनारस में इसका शूटिंग चल रहा है। फिर से अनुषा को थैंक्स फॉर दिस अवार्ड। महाराष्ट्रामध्येच महाराष्ट्राच्या नावामध्येच गौरव आहे, त्यामुळे मला आज महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड महाराष्ट्रापासून एक मराठी माणूस म्हणून मला मिळाला, एक आनंदाची गोष्ट आहे, खूप अभिमान आहे या गोष्टीचा की हा अवॉर्ड मला पुरस्कृत केला गेला आहे। आणि महत्वाचं म्हणजे हा मला एका माझ्या फॅमिली मेंबर कडून मिळाले, अनुषा आणि रामा हे माझी फॅमिली आहे, बऱ्याच वर्षांपासून मी काम करत होते, त्यांच्याकडून खूप शिकायला मिळालं। आणि जगामध्ये तुम्हाला कोणत्याही कुठच्याही प्रकारचा अवॉर्ड मिळाला तर स्पेशलच असतं, त्याच्यामुळे मला महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड मिळाला अनुषा आणि रामाची। मराठी स्वतःमध्ये काय सांगाल, काय तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांनाच की आपण वेबसिरीज खूप करत असतो, रामबदार नावाची फार एक फेमस वेबसिरीज झाली, त्याच्यानंतर अनेक वेबसिरीज केल्या, फिल्म्स केल्या, चंद्रमुखी नावाची फिल्म केली, एका पैठण छत्रपती तारारानी नावाचा सिनेमा। सो या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होत असतात तेव्हा आपल्याला अजून ऊर्जा आणि अजून स्फूर्ती मिळते, खास करून असा अवॉर्ड मिळाल्यानंतर जास्त ऊर्जा मिळते की तुम्हाला काहीतरी अजून तुम्ही चांगलं मराठीसाठी महाराष्ट्राच्या इंडस्ट्रीसाठी काहीतरी करत आहात, आणि मला मला आनंद आहे तुम्हाला अशा वेळेला हा अवॉर्ड मिळाला, तेव्हा की मी 3 वर्ष प्लॅनेट मराठीचे कंप्लीट झाले तेव्हा आमचा मला खरंच खूप स्पेशल आहे। मराठी फिल्मों का भविष्य बहुत बहुत तगड़ा है मेरे ख्याल से, मराठी मराठी को कोई इंडस्ट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा कि मराठी कंटेंट ये सिर्फ भारत में नहीं तो वर्ल्ड वाइड बहुत जाना जाता है आज, चाहे वो कांस हो, चाहे वो आपके हॉलीवुड हो, या कहीं पे भी हो, या ऑस्कर हो, अकेडमी हो, मुझे लगता है कि मराठी ने अपना एजेंडा हमेशा ऊपर किया है। सिर्फ थोड़े सी चीजें हैं जो अगर थोड़े से सुधार अगर आ जाए इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसर्स अगर अच्छे मिले मराठी इंडस्ट्री को, तो मेरे ख्याल से मराठी इंडस्ट्री चाहे वो फिर दूसरी कोई भी इंडस्ट्री हो उसको टक्कर दे सकती है। और करंट कंटेंट और नृत्य में मुझे लगता है कि मराठी के मराठी से बेटर कोई नहीं। मराठी इंग्लिश हिंदी तमिल का ही पहले तो मैं अनुष्का जी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे इस लायक समझा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे दैवत है जिन्हें हम माँ बाप से भी ऊपर देखते हैं, और ये अवार्ड अपने आप में ही बड़ी चीज है। जैसे कि घर का बोलते ना, पूजा में जाओगे सत्यनारायण की पूजा में जाओगे तो प्रसाद मिलता है उस तरीके से, और ये अवार्ड से हमारी और पीठ थपथपाई जैसा है, हमें और काम करने की प्रेरणा मिलती है, और आज अपने आप में ही बहुत बड़ी व्यक्तित्व है जिनको हम हाथ में लेते तो पता चलता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो मैं अनुष्का जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है। थैंक यू। देखिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें
छत्रपति महाराज के पुरस्कार से नवाजा गया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अनुषा जी के, जिन्होंने हमारे मन में जो कला बसता है उसको पहचाना और बहुत से कलाकारों को उन्होंने एक पहचान दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का पुरस्कार हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इस नाम की कद्र करेंगे, इस नाम को लेके हम आगे बढ़ेंगे और हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रोत्साहित करने वाली बात है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या मतलब था ये महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 में ऑर्गेनाइज किया था, आपको भी अवार्ड मिला है, क्या बताना चाहिए? भाई मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है क्योंकि मुंबई में मेरी पैदाइश है, मेरी बीवी महाराष्ट्र, मैं मराठी अच्छी तरह से बोलता हूँ, मेरा बेटा मराठी बोलता है और मतलब मुझे, मैं इस धरती का जन्मा हूँ, शिवाजी महाराज की प्रतिमा मुझे दी गई है, तो बिग थैंक यू टू अनुषा, बिग थैंक यू टू एवरीबॉडी एंड यही कहूँगा कि जय महाराष्ट्र जय हिंद। और एक इतने रिच स्टेट से, महाराष्ट्र से बिलोंग करना जिसका आर्ट कल्चर डांस म्यूजिक पेंटिंग जो इतना रिच है उसमें पैदा होना और उस इंडस्ट्री में अपने आप को समा देना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले तो सारे जो श्रोता है उन सबको नमस्कार। आप में से कई लोग होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि ये बंदा कौन बोल रहा है। मेरा नाम जीतूराज है। हम मुंबई में एक एफएम रेडियो स्टेशन चलता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसको 98.3 मिर्ची कहते हैं, उस पर शो करते हैं। और चूंकि हम सिर्फ रेडियो पर बोलते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हमारी आवाज ही हमारी पहचान है, इसलिए चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा है। आदरणीय शिवराय की ये ट्रॉफी महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार अनुषा जी ने देकर ये सिद्ध कर दिया है कि रेडियो की आज भी अपनी बहुत बड़ी अहमियत है। हम दिखें न दिखें रेडियो की ध्वनियां चलती है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने जब सबसे पहली गद्दी संभाली तब उन्होंने एक रेडियो शो का आगाज किया था जिसका नाम है मन की बात। तो हम रेडियो पर प्रायः बोलते रहते हैं कि हम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कम से कम एक प्रोफेशन साथ में कर रहे हैं और वो है रेडियो। छत्रपति शिवराय की एक ट्रॉफी उस गौरव को कुछ बढ़ा जाता। फ्रेंड्स, आई हैव रिसीव्ड महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार टुडे बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज डूइंग द नोबल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर्टिस्ट इन मुंबई एंड इन महाराष्ट्र इन स्पेसिफिक। सो महाराष्ट्र मुंबई इज नोन एज अ City of Bollywood. Though it is known as the City of Bollywood, Maharashtra has separate identity of performing folk arts. There are various performing folk arts in Maharashtra, and this organization well recognized the Maharashtrian folk art, folk culture, and even the Bollywood artist. So it is very great work, glorious work by Anusha ji and one of my friend Shirish Shetty. Award ceremony है जो अनुषा जी ने किया है, it is मैं तो वैसे झारखंड से belong करता हूँ पर आज ये महाराष्ट्र में आके ये महाराष्ट्र दिवस पे अवार्ड लेके ये बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। और अनुषा जी जो काम कर रही हैं आज एनवायरनमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, जैसा उन्होंने बताया था कि जे कॉलेज में जो वृक्षारोपण कर रही हैं और अपने एनिमल्स के लिए जो वो कर रही हैं डॉग्स के लिए, तो इट इज़ माइंड ब्लोइंग। और हर साल ये अवार्ड सेरेमनी करना ये बहुत बड़ी बात है और हर फील्ड से उन्होंने सभी लोगों को इन्वाइट किया है, अपने कलाकारों को किया। आज जितने आप देख रहे हैं, जितने पद्मश्री वाले जितने भी लोग आए हैं यहाँ, सभी लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर फील्ड से लोगों को बुला करके देना, और मैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सिटी का प्रेसिडेंट हूँ और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये अवार्ड आज, ये सम्मान जो मिला मुझे आज
आई एम वेरी प्राउड ऑफ ट्रॉफी. जो ट्रॉफी ये शिवाजी शिवाजी की मूर्ति है और हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए जय महाराष्ट्र.